आपेंगे। आज देश में एक पद्धति ये निकली है कि हम खबर दिखाएंगे नहीं, खबर बनाएंगे, खबर पकाएंगे और फिर उसको परोसेंगे और वही हम खिलाएंगे। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस नेता और किस दल की खबर पकाएंगे और उसमें तड़का डालेंगे और दिखाएंगे। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में टीवी देखने वाले हर आदमी को लगता था कि अखिलेश यादव लगभग 400-450 मतों से जीत रहे हैं और रही सही कसर वो रागा के आने से पूरी हो गई राहुल गांधी के। और जैसे कार्टून भी देख रहे हैं तो उसमें शोले के अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के चेहरे उड़ गए और वहाँ पर अखिलेश और राहुल के चेहरे लग गए, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। अब तो दम तो दोनों को है लेकिन साथ दिख नहीं रहे। और नरेंद्र मोदी, उनकी कोई खबर उतनी नहीं दिख रही थी। अब प्रधानमंत्री छापना तो पड़ेगा और उनके मन की बात का मजाक भी उड़ रहा था और देश का सबसे बड़ा अखबार उड़ा रहा था। अब बाद में उनके एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में मोदी जी नहीं गए। अब वही अखबार कल जो उत्तर प्रदेश के 4 महीना पहले के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का मखौल उड़ा रहा था, कल उसने लिखा है, अरे भाई बच्चे के मरने पर ये तड़प क्यों, ये तो बच्चों के मरने का मौसम है गोरखपुर में। और आंकड़े दिए हैं कि कितने बच्चे 5 सालों में मरे हैं और कहा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सबसे कम बच्चे मरे हैं। यानी बच्चों का मरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो पैदा ही इसलिए हुए हैं पूर्वांचल के बच्चे कि वो मरे। लेकिन फरुखाबाद में जो एक ताजा शिशु मरण प्रक्रिया आरंभ हुई है उसकी चर्चा नहीं की। हम नरेंद्र मोदी जी का आदर करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन हमने हरदम कहा कि कोई बात तो हो जिस पर हम बात करें। आज वो बात है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि गोरखपुर में चलिए तराई का पानी है, सबसे कम बच्चे मरे। क्यों छाप रहा है वही अखबार जो अभी 3 महीने पहले तक राहुल और अखिलेश की खबर छाप रहा था? क्योंकि सत्ता में मैं जाति का राजपूत हूँ और ये अखबार वाले एडिटोरियल की जगह एडिटोरियल करते हैं। ये कर्म के राजपूत है, जिसका राज उसके पूत है। और इसी चीज को जेडी ने दिखाया है। जेडी का मतलब जर्नलिस्ट डिफाइंड होना चाहिए, जेआर जर्नलिज्म रिपोर्टेड होना चाहिए, संपादकीय एडिटोरियल, अब होता है एडवर्टोरियल। और उस एडवर्टोरियल में किसी को नहीं छोड़ते, पत्रकार भी अगर फिल्म बनाए तो उसे भी नहीं छोड़ते। कहे लाला फिल्म बनाए हो, बहुत माल होगा, कोई मालदार पीछे होगा, अच्छा अमर सिंह है तब माल की क्या कमी है, निकलवाओ उनके खीसे से पैसे, दो हमको माल, तुम्हारी फिल्म खराब होगी तो उसे हम अच्छा बना करके दिखाएंगे, और माल नहीं दोगे तो तुम्हारी अच्छी फिल्म को स्टार रेटिंग नहीं देंगे। अगर ये पत्रकारिता है तो थू है इस पत्रकारिता पर, लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। फिल्म चले ना चले, लेकिन ये फिल्म कागज के फूल भी नहीं चली थी, गुरुदत्त की पहली सिनेमास्कोप की पिक्चर, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर क्या पकाया जा रहा है पत्रकारिता के चौके में, झूठ का कौन सा तड़का लगा करके जनता को परोस कर खिलाया जा रहा है, उसका प्रामाणिक चित्रण है इस फिल्म में जिसका नाम है जेडी। और हमारे साथ आज अवस्थी जी हमारे मित्र हैं, इंदौर में रहते हैं, इनका दोस्त है, ये सफल हो गए तो कहे लाओ, नहीं लाओगे तो हम तुम्हारा स्कैम छापेंगे। उसी तरह से विजय वर्गीय जी पीपल यूनिवर्सिटी भोपाल में चलाते हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे भी कहा लाओ, नहीं लाओगे तो तुम्हारे विरोध में छापेंगे। तो दीक्षित जी भी अखबार शुरू कर दिए, अच्छा तुम छापोगे तो हम भी छापेंगे। और उधर से विजय वर्गीय जी भी अखबार छाप दिए, छापना शुरू कर दिए। तो अखबार इसलिए छपे कि जनता को सच्ची खबर मिले, अखबार इसलिए छपे कि स्थापित अखबार अपने झूठ के चौके में निहित स्वार्थ के लिए क्या क्या करेंगे उससे बचाव के लिए ढाल के रूप में पत्रकारिता हो, अखबार छपे, तो समाज कहाँ जा रहा है,
ये देश कहाँ जा रहा है कि अब बच्चों के मरने को भी पुराने आंकड़े को देख करके देश का वो अखबार कल ही छापा था जो अखबार 3 महीने पहले तक कह रहा था यूपी को ये साथ पसंद है, यूपी को ये हाथ पसंद है, ये साइकिल पसंद है, और साइकिल पर राहुल जी का हाथ पसंद है। अब वो कह रहा है, योगी जी की तारीफ कर रहा है। हम भी करते हैं योगी जी की तारीफ, चौकी पर सोते हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, लेकिन बच्चे मरे, चाहे गोरखपुर में बच्चे मरे, चाहे फर्रुखाबाद में, इन बच्चों के मरने के लिए हम अच्छे शब्दों तो नहीं कह सकते। हम धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जो भाजपा की सरकार बनने पर भी कह रहे कि पश्चाताप दिवस मनाओ। मीडिया के मालिक हैं, उनका मीडिया के अतिरिक्त काम है और मीडिया उनकी ढाल है। और एक और बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है। अब वो यत्र तत्र सर्वत्र जो मीडिया के बिखरे बोती थे उसकी माला बना करके उसका वर्णन कर चुका है। तो निश्चित रूप से हम जो कह रहे हैं, पता नहीं है ऐसे किसी मालिक का चैनल यहाँ खड़ा हो तो उसको दिखा पाएगा या नहीं। और लेकिन अपने दशकों के राजनीतिक जीवन में इतनी फोटो छप चुकी है, इतनी चर्चा हो चुकी है, सच या झूठ, सही या गलत, बदनाम होंगे तो क्या नाम भी ना होगा। तो जिसको हमारे पूर्वांचल में कहते हैं हम थेथर हो गए हैं, सेमलेस, बेशर्म। आप अच्छा लिखिए, हमारे बारे में सच्चा लिखिए तो आपको साधुवाद, आप खराब लिखिए तो अशेष धन्यवाद। क्योंकि जीवन में, सार्वजनिक जीवन में पर्चा, चर्चा और खर्चा जरूरी है। पर्चे में नाम हो अच्छाई में या बुराई में, चर्चे में हो अच्छाई में या बुराई में, और खर्चा इतना हो कि एक जेडी के शो के लिए शैलेंद्र पांडे से हवाई जहाज का टिकट और होटल का खर्चा न मांगना पड़े। सर, ये मूवी भी जर्नलिस्ट पे डिपेंड, संघ के विरुद्ध लिखती थी, बंगलोर की घटना इसलिए मारी गई है, बिल्कुल गलत। वो सच लिखती थी, जो भाई है वो सीबीआई जांच की मांग, कांग्रेस के घोटाले के बारे में भी उन्होंने लिखा था, और अगर हमारे घोटाले के बारे में पता लगता तो उस पर भी लिखती, तो वो सच लिखती थी। तो निश्चित रूप से जानिए कि पत्रकार को समाज का दर्पण होना चाहिए, और दर्पण जो है वो झूठ नहीं बोलता, दर्पण झूठ ना बोले, जो सच है वो देखे और दिखाए। लेकिन आज का पत्रकार और आज की पत्रकारिता दर्पण नहीं है, और दर्पण की तरह जो पत्रकार काम करता है, पत्रकारिता काम करती है, मत सच पूछिए तो हिंदू के अलावा मैं कोई अखबार ही नहीं पढ़ता। कम से कम जो पत्रकारिता की जो एक परंपरागत रीत है और रीढ़ है, उसमें उस परंपरा को बहुत हद तक हिंदू ने बना के रखा है। नहीं तो एक गंभीर विषय हो और किसी सनी लियोन की तस्वीर, तो देश का सबसे बड़ा अखबार सनी लियोन की तस्वीर और उसके शारीरिक अवयवों के वैभव को दिखाएगा, क्योंकि वो उसका तर्क ये कि युवा हमारा जो रीडर है 18 वर्ष वाला, वह अमर सिंह का बुढ़ापा नहीं, सनी लियोन की जवानी देखना चाहता है। तो जब पत्रकार का, पत्रकारिता का ध्येय वो एक ऐसा बड़ा अखबार है जहाँ पर एडिटोरियल इम्पोर्टेंट नहीं है, एडवर्टोरियल इम्पोर्टेंट है, एडिटोरियल को इंस्ट्रक्शन एडवर्टोरियल से जाते हैं कि किसकी फोटो प्रथम पृष्ठ पर छपेगी, किसकी नहीं छपेगी। पत्रकारिता ये है कि सबकी खबर ले और सबको खबर दे, तो खबर ले करके सबको खबर दो, ताकि समाज में दर्पण की तरह काम करो। अगर चेहरा क्रूर है तो क्रूर दिखाई दे, विभत्स है तो विभत्स दिखाई दे, ऐसे पत्रकारों से लोग डरेंगे। मैं समझता हूँ परंपरा का आखिरी पत्रकार अगर कोई था तो हमारा मित्र रमजे अकबर था, उसे भी राजनीति की व्यवस्था ने समायोजित कर लिया है। एक पत्रकार के रूप में रमजे अकबर का न होना मुझे बहुत खराब लगता। आप भी सहमत होंगे, बहुत ही मेधा वाले थे और इसलिए दुखी रहे, कुछ किया सफल हो गया। टेलीग्राफ इतना सफल हुआ कलकत्ते में कि लोग स्टेट्समैन भूल गए, एसएनएच के कई संस्करण छपे, लेकिन इसके जनक का, जिसने इसको पैदा किया, उसका संबंध इससे नहीं रहा। और अंत में वो कहते हैं ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के वे मिलेंगे तुझको दिन बाहर के। लेकिन ठीक है, ये जीवन है, इस जीवन में
लोग कहते हैं कि सत्य थक सकता है पराजित नहीं हो सकता, सत्य में जयते सत्य की जय होती है। हम भी देखेंगे सत्य की जय कब होती है, इस देश में बच्चे कब मरना बंद होते हैं, इस देश में बच्चों के मरने को का स्पष्टीकरण ये कहकर के लोग देना कब बंद करेंगे कि पिछले सालों के मुकाबले आपकी बच्चे कम मरे हैं, बच्चे मरे ही क्यों। और सर 93 का इज जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। सो फाइनली सर, कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों पे मिलके चले थे, भुला दो कभी हम मिले थे, सपना ही समझो कि मिलके चले थे। थैंक यू वेरी मच।